बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू ओल्ड ब्रिजेस पेशावर। आज आपको सिखाते हैं भाई, क्योंकि बॉक्स बहुत ज़्यादा होते हैं या जो ज़्यादा ब्रीड लेना चाहते हैं माशाल्लाह, जैसे इस तरह, तो हर एक बॉक्स को याद रखना कि इसमें फर्टाइल अंडे कितने हैं, बच्चे कितने हैं और इसकी क्या अंदर क्या चल रहा है बॉक्स के अंदर। जिस तरह ये मैंने टैग बनाया हुआ है, तो आज आपको बताते हैं भाई कि रिकॉर्ड कैसे अपडेट किया जा सकता है इजी वे में। ठीक है, मैं ख़ुद तो वीकली चेक करता हूं, तो मुझे हफ्ते बाद कोई बॉक्स याद नहीं रहता कि बॉक्स के अंदर क्या चल रहा था और क्या अंडे फर्टाइल थे, क्या अनफर्टाइल थे। तो इसके बारे में एक शॉर्ट सी वीडियो आपको दिखाएंगे, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी और आपको उसको टैग का फिल करने का तरीका भी सिखाएंगे इंशाल्लाह। साथ रहिएगा, अभी आपको टैग फिल करने का तरीका भी सिखाते हैं। ये मैंने एक टैग बनाया था, तो मैंने कहा आपको इसका दिखा भी दें, बहुत इजी है। मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसको बहुत लाइटली बनाया था कि आप लोग इसको समझ सकें और इजी हो आपको फिलअप करना और बॉक्स के ऊपर पैच करना। ये देखें जी, अब ये मैंने मेल और फीमेल का ये बनाया है। आप देखें, सबसे पहले इधर आ जाता है बॉक्स नंबर। फर्ज़ करें ये बॉक्स नंबर 1 था, ठीक है, ये मेरा बॉक्स नंबर 1 है। इसमें मेल कौन सी फिंच का लगा हुआ था, तो समझ लें मेल लगा था लुटिनो, ठीक है। अच्छा, उसका रिंग नंबर जो भी है आप फ़र्ज़ कर लें 1-2 रिंग नंबर है। इसके साथ मैंने फ़ीमेल लगाई थी कॉमन की, ठीक है, कॉमन गोल्डियन की, तो वो आप कॉमन लिख लें। उसका रिंग नंबर जो भी है आप फ़र्ज़ कर लें 16 कर लें। ये इसका हो गया जी रिंग नंबर। इसके बाद आ जाती है नीचे वाली थ्योरी। तो नीचे वाली थ्योरी मैं आपको बताता हूँ, ये जब अंडा ले हो जाता है और मैं देखता हूँ कि इसने भी फ्रेश ले अंडे किए हैं, तो मैं इसको क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ ऐसे कि फीमेल ने 4 अंडे ले किए हैं लेकिन अभी तक फर्टाइल नहीं हुए, और उसके सामने ही मैं इधर डेट लिख देता हूँ। फ़र्ज़ करें आज 27/03/2021, तो मैं हफ्ते बाद आके चेक करता हूँ कि अंडों की क्या सिचुएशन है। अगर हफ्ते बाद भी ये इसी कंडीशन में हुए, तो इसका मतलब है ये अंडे इनफर्टाइल थे और मेरे काम के नहीं हैं। अगर ये हो गए फर्टाइल, तो मैं इनको फिलअप कर देता हूँ, ऐसे फिलअप कर देता हूँ। इसका मतलब है भाई अंडे फर्टाइल हो चुके हैं और अब इंतज़ार है चिक्स का, ठीक है। अभी मैं दोबारा हफ्ते या 2 हफ्ते बाद जब आता हूँ और देखा कि अब उसमें से चिक्स निकल आए, फ़र्ज़ करें इसमें से 4 में से 3 चिक निकले हैं, ठीक है, तो उनको भी मैं फ़िलअप कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। अब मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें 3 चिक्स आ गए हैं भाई, ये 3 रंग आ गए हैं। ये एक जो था ये अनफर्टाइल गया, तो इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, 3 चिक आ गए। अगर आपने ये बेंगलाइज के नीचे रखे हुए हैं ये चिक्स, इनके चिक्स आपने, और आप चाह रहे हैं कि यार ये किस बॉक्स से मेरे पास आए थे, तो अगर आप गोल्डियन का बॉक्स इसमें लिखना चाहें, फ़र्ज़ करें ये मैंने 16th नंबर बॉक्स से मैंने ये अंडे उठाए थे, तो आपको याद रहेगा कि 16th नंबर बॉक्स के ये चिक्स हैं जो मैंने बेंगलाइज के नीचे रखे थे और ये इधर तक हो गए हैं। इसके बाद आ जाता है सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में ये है भाई, अगर ये आपका हो गया क्लच कम्प्लीट और ये माशाल्लाह बाय आके सेल्फ हो गए और आपने उठा के छोटी कॉलोनी में रख दिए, तो इसके आप इसको कर दें क्रॉस, ये आपका हो गया पूरा। अब आ जाते हैं इस स्टेज पे। इसको भी उसी तरह, अगर आपके पास फर्टाइल अंडे हैं और आपने देखा कि जी फर्टाइल अंडे मैंने उठा के बेंगलाइज के नीचे रख दिए, तो आप इसके नीचे इसको ऐसे कर दें कि ये मैंने इसके नीचे 4 अंडे रखे थे, ये मैंने बेंगलाइज के नीचे रन कर दिए और ये मैंने बॉक्स नंबर जिससे भी आपने उठाए उसके नीचे रख दें कि भाई मैंने ये बॉक्स नंबर 18 से उठा के इसके नीचे रखे हैं, ये मैंने फ्रॉम लिखा हुआ है। उसके बाद जब चिक्स आएँ, तो उसी तरह जी आप इसको 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 फिल कर लें और आपका रिकॉर्ड बॉक्स का कंप्लीट रहेगा। आपको हर एक बॉक्स खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक ही बॉक्स से पता लग जाएगा कि जी, एक ही टैग से पता लग जाएगा कि जी अंदर बॉक्स के अंदर की सूरत हाल क्या है, क्योंकि डेली सारे बॉक्स चेक करना और डेली उनको याद करना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है और मेरे ख्याल से किसी के लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो इस तरह मैंने एक शॉर्ट सी वीडियो आपको बनाई कि आप लोग इसको टैग इससे बेहतर भी बना सकते हैं, देख लें। अगर और कोई इसमें अल्ट्रेशन करना चाहें, अमेंडमेंट करना चाहें, तो कर लें। मेरे लिहाज से तो मैंने जितना बना सका, मैंने तो बहुत सिंपल और आसान सा बनाया है ताकि फिलिंग में और कॉम्प्लिकेशन ना हो, और ये बॉक्स और रजिस्टर और ये मुझसे नहीं होते। मैंने सिंपली टैग बनाया, इसके ऊपर मैं थंब पिन इधर लगा के और साथ बॉक्स के बाहर लगा देता हूँ थंब पिन से, तो ये बॉक्स के ऊपर लगा रहता है और मेरा रिकॉर्ड इस तरह अपडेट रहता है। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। विश यू अ वेरी गुड डे। अल्लाह हाफिज़।